पर्यावरण बचाने के धंधे से अलग छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने सरकार को अपनी गिरेबां में झांकने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पूरे देश में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से पर्यावरण बचाने की हाहाकार मच गई है, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की पहाड़ियों में 20,000 पेड़ काटे जा रहे थे और जलाए जा रहे थे। पर्यावरण के सबसे हितैषी आदिवासियों ने पेड़ों को बचाने के लिए देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति अदाणी के खिलाफ 6 जून को मोर्चा खोल दिया। आदिवासी अपने राशन पानी के साथ दूर दराज इलाकों से पैदल चलकर बैलाडीला आए और यहीं उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। सात दिन तक बैलाडीला में रात दिन धरना पर बैठे आदिवासियों की बात सरकार को आखिरकार सुननी पड़ी। असल में 2014 में अदाड़ी के खदान के लिए ग्राम सभा हुई थी, जिसमें ये फैसला आया था कि ये खदान अदाड़ी ग्रुप को दे दिए जाएं। फिलहाल सरकार ने इस ग्राम सभा की जांच के आदेश दे दिए हैं। आदिवासियों का आरोप है कि ग्राम सभा में धोखाधड़ी की गई थी और जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिए गए थे। इस तरह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने 13 नंबर पहाड़ी को लौह अयस्क खनन के लिए अदाड़ी समूह को दे दिया। अदाड़ी ग्रुप ने यहां 20,000 जिंदा पेड़ों को काट डाला और नामोनिशान मिटाने के लिए इन्हें जलाना भी शुरू कर दिया। ये देख आदिवासियों का दिल दहला। आदिवासी सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन पर्यावरण का विनाश बिल्कुल नहीं। इसीलिए लगभग 200 गांव के आदिवासी अपने तीर धनुष के साथ बैलाडीला पहुंच गए। NMDC पिछले 60 सालों से बैलाडीला के पर्वतों पर कच्चे लोहे का खनन कर रहा है। संयुक्त पंचायत संघर्ष समिति के आदिवासी नेताओं का कहना है कि डिपॉजिट 13 नंबर पहाड़ में हमारे देवी देवताओं का वास है, हम किसी भी सूरत में पहाड़ को खोदने नहीं देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि पूरा बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची में आता है और इस पर पंचायती राज अधिनियम 1996 का कानून लागू होता है। इसमें ग्राम सभा की अनुमति के बिना एक इंच जमीन न तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकार ले सकती है। प्रदर्शन के 7वें दिन आदिवासियों ने 15 दिनों के अल्टीमेटम के साथ प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा की, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। रिपोर्ट संदीप कुमार, वर्कर्स यूनिटी, दिल्ली।